नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिटेलर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सो जब हम रिटेलर की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इस इज एक्चुअली द स्ट्रैटेजी डिजाइन बाय अ रिटेलर फॉर द परपज ऑफ ओवरऑल बिजनेस मॉडल फॉर ओवरऑल बिजनेस तो एक्चुअली वबाउट इंटीग्रेशन ऑफ रिटेलर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक्चुअली विद्रैटेजी ऑफ द रिटेलर तो इन दोनों को जितनी ज्यादा इंटीग्रेशन होगी उतना ज्यादा बेहतर तरीके से रिटेलर जो है वो परफॉर्म कर सकेगा सो देर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिटेलर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी विच आज नॉर्मली सेट और टू मेन आउटकम्स विच आर एक्सपेक्टेड नंबर वन इज द दटेटिव एडवांटेज एंड दैट कंपेटेटिव एडवांटेज शुड बी सस्टेनेबल कंपेटिव एडवांटेज एंड ऑफ कोर्स द सेकेंड की ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस रिटेलर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इज टू गेन डिजायरेबल प्रॉफिट आउट ऑफ इट बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेशक वो रिटेलर है बेशक वो नॉन रिटेलर है द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट तो अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं डिजायरेबल प्रॉफिट अर्न करते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली एक्चुअली इनलाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ विद द स्ट्रैटी ऑफ द रिटेलर फाइनेंशियल स्ट्रैटी ऑफ द रिटेलर अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखने लगा हूँ कि जो कि नॉर्मली रिटेलर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के हवाले से सामने आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली हाउ इज अ रिटेल स्ट्रेटी रिफ्लेक्टेड इन द रिटेलर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्योंकि एक रिटेलर अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी हैं उसके अंदर फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव भी हैं उसके अंदर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी हैं ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव भी हैं है, है, तो यहां पर हम क्योंकि बात फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के हवाले से कर रहे हैं सो so, ये देखना है कि रिटेलर की स्ट्रैटेजी के अंदर किस तरीके से उसने अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को प्लेस किया है किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट किया है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन हाउ डू रिटेलर्स नीड टू इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस बड़ा सिंपल है ऑफकोर्स जहां पर हम बात करेंगे बी बिजनेस के हवाले से तो इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक परफॉर्मेंस इवेलुएशन नहीं होगी ऑफकोर्स कोई भी बिजनेस जो है उसका आउटकम सही तरीके से मालूम नहीं हो सकेगा तो थर्ड पार्ट थर्ड चीज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज स्ट्रेटजिक प्रॉफिट मॉडल एंड हाउ इट इज यूज हम इस स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मॉडल को अभी डिस्कस करते हैं अपनी अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर जो कि आपको हेल्प करेगा ओवरऑल समझने में कि हाउ दिस मॉडल वर्क्स और कैसे रिटेलर इस मॉडल को यूज करता है और फिर फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन वो है वट मैयर्स डू रिटेलर यूज टू असेस देर परफॉर्मेंस तो रिटेलर ने दोनों काम करने हैं अपनी परफॉर्मेंस को एसेस भी करना है उसको इवेल्युएट भी करना है उसको इम्प्रूव भी करना है और फिर ये देखना है कि क्या ये सारा कुछ अलाइंड है उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ और उसके गोल्स एंड ऑबजेक्टिव अलाइंड हैं उसकी स्ट्रेटजी के साथ तो अल्टीमेटली हमारे पास देर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स जो कि निकल के सामने आएंगे सबसे पहले आएगा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स फिर आएंगे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स और इसी तरीके से हमारे पास कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी निकल के सामने आएंगे ऑफ दिस रिटेल स्ट्रेटजी तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटी के हवाले से या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से तो एक्चुअली नॉट नेसेसरली इट इज़ द प्रॉफिट इट इज़ एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम आर कहते हैं तो एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे होते हैं वो एक रिटेलर ये असेस है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है वो एक्जैक्टली exactly अपने प्रॉफिट मार्जिन को उस तरीके से देख रहा होता है लेकिन नॉट एज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दूसरे नंबर जब हम बात करते हैं तो दैट इज द दोसाइट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू सोसाइटी कि आप हाउ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस वर्ल्ड हाउ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर सोसाइटी बैक क्योंकि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यू विल ऑब्जर्व के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जहाँ पर कुछ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जिस तरह मैंने पहले स्पेल आउट किया कि उसके और भी डिफरेंट तरह तो, भी के ऑब्जेक्टिव वो सेट करता है तो सोसाइटी से रिलेटेड भी मेन ऑब्जेक्टिव डे किए जाते हैं लेट से एनर्जी सेविंग के हवाले से अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करती है तो वो एट द सेम टाइम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी मीट हो रहे होंगे लेकिन और दूसरी तरफ आपकी एनर्जी सेविंग से यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एज वेल तो ये एक एग्जाम्पल ऐसी है कि जो कि दोनों टाइप्स के अंदर फॉल कर रही है फिर तीसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो अगेन इट इज अबाउट द द द स्टेटस इट इट इज इज अबाउट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट और वो तमाम चीजें जो कि एक रिटेलर एस्पायर करता है किसी भी बिजनेस से सो रिटेल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जो एक रिटेलर की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है उसके अंदर द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एज ए समरी इज दैट के रिटेलर ये देखता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो इस स्ट्रेटजी से कि जो कि जिस मकसद के लिए मैंने बिज़नेस किया है बेशक वो फाइनेंशियल है बेशक वो सोसाइटी uh, से रिलेटेड है बेशक वो पर्सनल है मुझे वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए और उसको ऑबजेक्टिव जो है वो अलाइंट हो मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी के हवाले से